हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो लेयर कट के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप लेयर कट कैसे इजी तरीके से किया जाता है, ताकि आपको लेयर कट करते समय किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉल हमने क्लाइंट के हेड वॉश किया अच्छे से, उसके बाद हमने सीरम एप्लीकेशन करके बालों को टेंगल फ्री कर दिया। इसके बाद हम सबसे पहले हेयर्स पर सेंटर पार्टिंग करेंगे। इसी सेंटर पार्टिंग को हम लोग पीछे की साइड ले जाएंगे इस तरह से। अब हमारे हेयर्स हैं वो दो सेक्शन में डिवाइड हो चुके हैं, लेफ्ट और राइट में। अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग निकालेंगे ईयर टू ईयर। इस तरह से हम लोग जो फिंगर है वो ऐसे ईयर के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम एक सेक्शन निकाल लेंगे। पीछे के सेक्शन को हम लोग सेक्शन क्लिप लगा के सेपरेट कर देंगे, ताकि हम जब हेयर कट करें तब बीच में ना आए ये हेयर्स। इसी तरह से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे और इसी तरीके से हम लोग दोबारा से ईयर टू ईयर सेक्शनिंग करेंगे। इस तरह से फिंगर को हम लोग ईयर के ऊपर रखेंगे। और ये सेक्शन को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद हम लोग इस पर सेक्शन क्लिप लगा देंगे। इस तरह से अब हमारे दो सेक्शन पीछे के सेपरेट हो गए, ऐसे ही दो सेक्शन हमारे फ्रंट में हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से टैंगल फ्री कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग मिड ऑफ द आईब्रो एक बॉक्स एरिया निकाल लेंगे। कॉम करेंगे इस सेक्शन को, इस तरह से फिंगर की हेल्प से ग्रिप बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्लाइंट की जो डिज़ायर होगी कि हमको कितने हेयर्स कट करने हैं, तो हम क्लाइंट से पूछ के ही करेंगे। हम एडवाइज़ कर सकते हैं कि आपके इतने हेयर डैमेज हैं, आपको इतने कटा सकते हैं आप, लेकिन फिर भी जितना हमारा क्लाइंट बोलेगा हम उतने ही कट करेंगे। तो हमें ये देखना होता है हमें बैक से कितना कट करना है, कि बैक से क्लाइंट थोड़ा कट कराना चाहता है ज़्यादा, तो हमें क्या करना है इसके लिए, पीछे के बालों को हम आगे की साइड लाएंगे। फिर क्लाइंट की जितनी डिज़ायर होगी कि इतना कट करना है तो इतना करेंगे। अगर क्लाइंट इतना कट बोलता है तो हम आगे से इसको ऐसे मेज़रमेंट कर देंगे, तो फ्रंट से हमारे इतने हेयर निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने मेज़रमेंट किया कि हमें इतने हेयर बैक से कम कराने हैं, तो हमारे फ्रंट से जो हेयर हैं वो इतने कट करने हैं। फर्स्ट मेज़रमेंट ही लेना है, इसके बाद आपको सारा कट ईजिली हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मेज़रमेंट करके फर्स्ट कट इस पर लगा दिया। हम दोबारा से कॉम करके चेक करेंगे और हेयर्स को सीधा से सामने की साइड लाएंगे और इनको कट कर देंगे। इसके बाद अब हम इन बालों को दोनों साइड में छोड़ देंगे और यहाँ से एक सेक्शन उठाएंगे, इस तरह से कॉम करेंगे। और गाइडलाइन हमको मिल चुकी है फ्रंट हेयर की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको थोड़ा स्लाइड करते हुए कट करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर हम गाइडलाइन लेंगे और लास्ट का सेक्शन लेंगे। कॉम किया, एक्स्ट्रा हेयर्स को कट कर दिया। इस तरह से हमारा एक सेक्शन कट हो गया। अब यही जो प्रोसेस है हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे। सेक्शन लेंगे एक, कॉम करेंगे अच्छे से, फिंगर से ग्रिप बना के ऐसे स्लाइड करते हुए कट कर देंगे। अब यहीं से एक और सेक्शन, एक गाइडलाइन ले लेंगे और नीचे वाले सेक्शन के हेयर्स को हम उठा लेंगे। कॉम करेंगे अच्छे से, इस तरह से स्लाइड करते हुए कट कर देंगे। तो हमारा फ्रंट सेक्शन कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब हम लोग को इसके ही अकॉर्डिंग बैक के हेयर्स को फ्रंट पे लाके कट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैक के हेयर्स को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से बालों को कॉम करेंगे और एक सेक्शन ले लेंगे
इस तरह से हमने कान के पीछे फिंगर को रखा और एक सेक्शन हमने इस तरह से उठा लिया। इन हेयर्स को मैं आगे की साइड ले जाऊंगी और जो पीछे बचे बाल हैं उन पे मैं दोबारा से सेक्शन क्लिप लगा दूंगी ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो हेयर कट करने में फ्रंट के। इस तरह से जो मैंने लेफ्ट में किया वही मैं राइट साइड में भी करूंगी। इस तरह से ये सेक्शन को लेते हुए इसके साथ हम सामने से एक सेक्शन ले लेंगे और इन हेयर्स को भी मैं फ्रंट पे ले जाऊंगी। अगर हमारे सारे बालों की लेंथ इक्वल है तो हो सकता है हमें कट करते समय लगे कि बाल ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन जितना आपके क्लाइंट ने बोला अगर आप फर्स्ट कट उतना ही करेंगे तो बिल्कुल भी बाल ज़्यादा नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारा वन लेंथ हेयर है इसलिए हमें लगता है कि हेयर ज़्यादा निकल रहा है, बट जब लास्ट में कट होगा लास्ट वाला सेक्शन हमारा छोटा ही निकलेगा। इस तरह से कॉम करेंगे। अभी नीचे की साइड गाइडलाइन है, देखिए इसके ऊपर से हम लोग जो हेयर्स आए हैं उनको कट कर देंगे। मैंने क्या किया था, ये जो पीछे वाला सेक्शन था इसको पूरा ओवरलैप कर लिया हेयर्स के ऊपर इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट कट हो गया। फिर से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, चाहें तो पूरा सेक्शन उठा लें नहीं तो इसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर। अच्छे से कॉम्ब किया, पूरे सेक्शन को लिया और इस तरह से स्लाइड कट कर दिया। अगर आपको लगता है आपकी ग्रिप अच्छी नहीं बन रही तो आप इसको इस तरह से दो पार्ट में, जैसे मैंने पहले बताया था, इस तरह से डिवाइड करके कट कर सकते हैं इस तरह से। अब मेरे पूरे जो ग्रिप है वो अच्छी बन रही है इसलिए मैंने पूरा सेक्शन एक बार में ले लिया। इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, अच्छे से कॉम करेंगे। फिंगर से अच्छे से ग्रिप बनाएंगे और इन हेयर्स को जो एक्स्ट्रा है उनको कट कर देंगे इस तरह से। अब हमारे दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमको पीछे से नेक्स्ट सेक्शन उठाना है। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन भी उतना ही बड़ा ले रही हूँ जैसा मैंने ऊपर का लिया था। इस तरह से मैंने सेक्शन लिया, ये मिड ऑफ द ईयर है तो इस सेक्शन को हम आगे ले गए। अब आपकी इच्छा हो तो सेक्शन क्लिप लगाएं, अदरवाइज नहीं लगाना हो तो ना लगाएं। ऐसे करेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे। पहले वाले सेक्शन को मैंने ओवरलैप किया था ऊपर की साइड, अब मैं इसको साइड से लेके जा रही हूँ इस तरह से। साइड पर लेकर गए, अच्छे से कॉम किया, फिंगर से ग्रिप बनाई। इस तरह से आपको ये बाल दिख गए। हमें इसके अकॉर्डिंग स्लाइड करते हुए कट करना है। गाइडलाइन ली और उसके अकॉर्डिंग हमने स्लाइड कर दिया। ये हमारा थर्ड सेकंड सेक्शन भी पीछे से कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम लोग राइट साइड से भी हेयर कट करेंगे। सेक्शन खोला, नया सेक्शन लिया, साइड पे ले आए हेयर्स को, ओवरलैप नहीं करना। साइड पर लाके स्लाइड करते हुए इन हेयर्स को कट कर दिया। जो आपको लंबे दिख रहे हैं उन हेयर्स को स्लाइड करते हुए कट करेंगे इस तरह से लाए और इस तरह से हमने हेयर को कट कर दिया। एक बार रीचेक जरूर करें ताकि बाल ऊपर नीचे ना रहें। इस तरह से हमारा राइट साइड से भी कट हो गया। अब हम लोग दोबारा लेफ्ट साइड जाएंगे और जो लास्ट सेक्शन है उसको इसके अंदर मर्ज करेंगे। ये लास्ट सेक्शन हमारा रह गया था, इसको हमने इन बालों के संग ऐड कर दिया और यहाँ से थोड़ी गाइडलाइन ले ली। पूरा सेक्शन लेने की नीड नहीं है, हम लोगों ने गाइडलाइन ले ली। अच्छे से कॉम किया, हेयर्स को आगे ले आए और आगे लाके
ये देखिए क्लाइंट की इच्छा थी कि हमारे इतने बाल कट हों, तो इतने ही बाल निकले हैं लास्ट में। इस तरह से हमने इसको स्लाइड कर दिया, बिल्कुल भी आपके एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकलेंगे। अगर आप गाइडलाइन को क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे, वो जितना कट बोल रहे हैं उतना ही करेंगे, तो बिल्कुल भी आपका जो हेयर की लेंथ है वो शॉर्ट नहीं होगी। इस तरह से हम लोग राइट साइड आ जाएंगे। राइट साइड में जो लास्ट सेक्शन रह गया था इसको लेंगे, कॉम करेंगे, आगे की साइड ले आएंगे बालों को इस तरह से शेप देते हुए स्लाइड, इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमारा लास्ट सेक्शन भी कट हो गया। एक बार दोबारा रीचेक करेंगे, इन हेयर्स को आगे ले आएंगे कॉम करके। इस तरह से हम लोग कॉम करेंगे, फ्रंट पे ले आएंगे हेयर्स को और चेक कर लेंगे जहाँ ऊपर नीचे बाल हो उनको कट कर देंगे इस तरह से। तो हमारा ये कट कंप्लीट हो गया। और फ्रंट से भी हम लोग कट कर सकते हैं, अगर क्लाइंट की डिज़ायर हो तो हम फ्रंट के हेयर्स को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक ए सेक्शन निकाला। कॉम किया अच्छे से। अगर दोनों साइड से हमको कट चाहिए तो हम इसको इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे फिंगर से और इधर जिगजैग करके कट कर देंगे। और अगर हमें चाहिए कि हमें फ्रंट साइड ही वन साइड कट चाहिए इस तरह से, तो हम लोग स्लाइड करते हुए कट को लेकर जाएंगे। तो इस तरह से हमने कॉम किया और ऐसे इसको टर्न कर दिया और जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उसको हम लोग ऐसे जिगजैग सीजर को चलाते हुए कट कर देंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट का भी कट हो गया। अब मैं इसका ब्लो ड्राई करके आपको दिखा दूंगी कि ये कट कैसा दिखता है देखने में। तो अब हम लोग का ये कंप्लीट हो गया है वीडियो, तो आपको ब्लो ड्राई करके हम लोग इसको शो कर देते हैं कि कट कैसा लग रहा है देखने में।